हेलो दोस्तों, आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आपने दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है और उसमें आपने कुछ मिस्टेक कर दी गई हैं, तो उसे दोबारा कैसे एडिट या फिर करेक्शन या फिर मॉडिफाई कैसे करें। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कैसे एडिट आप कर सकते हैं दोबारा। उसके लिए सबसे पहले अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है, SSC यानी कि दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की। सर्च बार में आपको टाइप कर देना है सरकारी रिजल्ट। टाइप करोगे तो ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे सिंपल से अपने को इसी पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है लेटेस्ट जॉब, इसको थोड़ा जूम कर लेना है दोनों उंगलियों से। जूम करने के बाद यहाँ पर देखना है आपको ये रही यहाँ पर वैकेंसी SSC दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल ऑनलाइन फॉर्म। सिंपल से आपने को इसी पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाना है आपको। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास, ये वाला अप्लाई ऑनलाइन के सामने लिख रखा है क्लिक हेयर। सिंपल से अपने को इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसी पर क्लिक करोगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, जहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है जो कि आपने प्रिंट निकाले होगा वहाँ पर लिख रखा होगा। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डाल देना और यहाँ पर एक कैप्चा डाल देना है। चलिए मैं डाल लेता हूँ। दोस्तों, मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड एंड कैप्चा डाल दिया। उसके बाद सिंपल से लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आप इसकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन हो जाओगे, जहाँ से आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया है वो सारा दिख जाएगा। उसके बाद सिंपल से दोस्तों अपने को सबसे पहले यहाँ पर जानना है, थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर कोने में ये लिख रखा है ये वाला मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन, तो सिंपल से अपने को इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो सारी जानकारी डिटेल आ जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाला है। तो आप यदि आप इसमें कुछ भी एडिट या करेक्शन या फिर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो सिंपल से अपने को यहाँ पर ये सिंपल से एक ऑप्शन है एडिट, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करो तो सारे ऑप्शन शो होगा। चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपल इसको ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो आधार नंबर, नाम वगैरह या फिर 10th की जो भी आप जानकारी डालें, अगर वो करेक्शन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आप एड्रेस का नेक्स्ट ऑप्शन लाना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन है नेक्स्ट, सिंपल से अपने को इसी पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया इसलिए बता रहा, चलिए कुछ एडिट कर लेता हूँ। दोस्तों, ये वाला नेक्स्ट ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप चाहो तो अपना एड्रेस भी कुछ करेक्शन करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद इसको सेव कर लेना है नेक्स्ट। उसके बाद इसको भी एडिट कर लेते हैं, ओके पर क्लिक कर लेते हैं, सेव। जिससे दोस्तों आप सेव पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कुछ भी एडिट करोगे तो उसके बाद ये ऑप्शन आता है फाइनल सबमिट। अगर आप इसमें कुछ भी एडिट करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे तो ये फॉर्म दोबारा से सबमिट हो जाएगा। और तो दोस्तों, सबसे मेन बात ये है कि आप जहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन किया है, अगर आप उसमें कुछ करेक्शन या एडिट या फिर मॉडिफाई करना चाहते हो तो उसे कैसे करें। तो दोस्तों, उसके लिए अपन वापस एप्लीकेशन हिस्ट्री पर चले जाते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट नोट पे दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है ये वाला कॉन्स्टेबल मेन एंड फेमस दिल्ली पुलिस, और यहाँ पर लिख रखा अप्लाई। अगर आप यहाँ पर कुछ करेक्शन या फिर एडिट या फिर मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो कैसे कर, तो दोस्तों उसके लिए आप यहाँ से उसको एडिट या करेक्शन नहीं कर सकते हो। आप ये वैकेंसी इसकी लास्ट डेट है 19 दिसंबर। अगर आप 19 दिसंबर के बाद इसके लिए आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा और 2 दिन के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन जनरेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा रीअप्लाई।
रिप्लाई, 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसमें 2 दिन में आप यहाँ पे इस अप्लाई वाले ऑप्शन में कुछ भी एडिट या करेक्शन कर सकते हो, चाहे 12th की जानकारी या फिर आपने कुछ भी गलत फिल कर दिया तो वो सही कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपने अभी तक दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है पूरा मोबाइल से भर के फॉर्म, आप वो वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हो। दोस्तों ये चीज़ अपन कब अपडेट कर सकते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। मैं भी एक चला जाता हूँ, दोस्तों यहाँ पे देख सकता है, मैं वापस थोड़ा ऊपर स्कोर कर लेता हूँ। और दोस्तों ये यहाँ पे लिख रखा है ये वाला करेक्शन डेट, आप करेक्शन डेट 3 और 4 अक्टूबर 2 दिन केवल आप उसमें अप्लाई वाला ऑप्शन में करेक्शन कर सकते हो। और दोस्तों आप करेक्शन ऐसे नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको फर्स्ट टाइम करेक्शन कर रहे हो तो आपको 200 रुपया फीस चार्ज करना पड़ेगा, जो आप फोन पे गूगल पे या UPI से कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड बार अगर आप करना चाहोगे तो उसके लिए आपको 500 रुपया लगेगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपने फॉर्म में कुछ भी करेक्शन या एडिट या मॉडिफाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड कुछ भी प्यार सा कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपको कुछ भी इसमें डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसका मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पास में बेल आइकन को भी प्रेस करते ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँच सके। मिलते इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।